दोस्तों, एक और दिन बीकानेर के अंदर। और मेरे पीछे आप जो छतरियाँ देख रहे हैं, ये यहाँ के राज परिवार के लोग जब जिनका देहांत हो जाता है, यहाँ पर इस तरह से उनकी उनकी रिमेम्बरेंस में ये छतरियाँ बनाई जाती हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि जैसलमेर और जोधपुर की छतरियाँ बहुत फेमस हैं और लोग बाहर से पूरे वर्ल्ड से उन छतरियों को देखने आते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इजिप्ट में जो पिरामिड्स बने हैं उनके राजाओं की निशानियों के रूप में, उसी तरह से यहाँ राजस्थान के अंदर जो राज परिवार हैं उनकी याद के में ये छतरियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन बीकानेर की छतरियाँ इतनी फेमस नहीं हैं, तो अगर आप बीकानेर का प्लान बना रहे हैं तो इन छतरियों को आकर ज़रूर देखिएगा। ये उतनी ही सुंदर हैं जैसी जैसलमेर और जोधपुर की हैं, बल्कि मैं कह सकता हूँ उनसे भी ज़्यादा सुंदर और वेल प्रिजर्व्ड हैं। तो आइए देखते हैं इन छतरियों को। मेरे पीछे जो आप छतरी देख रहे हैं, सबसे बड़ी छतरी नज़र आ रही है। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तब ये एरिया इतना साफ़ नहीं था, क्योंकि वह जो कबूतर हैं उसने काफ़ी गंदा कर दिया था। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ तो इस एरिया को बहुत क्लीन अप किया है और ये बहुत वेल प्रिजर्व्ड, वेल क्लीन, वेल मेंटेन छतरियाँ हैं यहाँ पर। बीकानेर में बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन इस जगह को भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये छतरियाँ बहुत ही सुंदर हैं, आर्किटेक्चरली बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। तो जितनी बड़ी छतरियाँ हैं वो उतने बड़े महाराज महारानियाँ सबसे आगे देखेंगे, तो वहाँ पे सती हुई जो रानियाँ हैं। दोस्तों, सबसे आगे इस परिसर के अंदर यहाँ कुल देवी का मंदिर है जो हमने आप आगे देखा था, और उसके बाद आप चलेंगे तो उनके चरणों में इस राजवंश के जितने भी राजा महाराजा या राजकुमार या राजकुमारियाँ हैं उनकी छतरियाँ हैं। आप इस छतरी को देखिए, इसके स्वरूप से ही लगता है किसी महाराज की ये छतरी बनी होगी। और इसके बाद ये जो छतरियाँ हैं जिनमें एक सिंगल गुम्बद है, यहाँ के जो छोटे राजा रहे होंगे उनकी है। और इसके बाद कुछ ऐसी छतरियाँ हैं जिनके ऊपर गुम्बद नहीं है, और उसके बाद बिल्कुल छोटी छतरियाँ हैं जो बच्चों की भी हैं, जो बाल्यावस्था में किसी वजह से उनका देहांत हो गया हो, तो आगे उनको देखते हैं। बट छतरियों के स्वरूप से आप पता लगा सकते हैं कि जितनी बड़ी छतरी है जिसके गुंबद बड़े हैं वो यहाँ के राजा महाराजा की छतरियाँ हैं, और जो छोटी छतरियाँ हैं वो यहाँ के राजकुमारों की या राजकुमारियों की हैं। ये परिसर बहुत ही सुंदर है, इसका नाम है देवी कुंड सागर।
इसकी जो टिकट है वो सिर्फ मात्र 5 रुपये है, और मात्र 5 रुपये में आप इस पूरे परिसर को आराम से घूम सकते हैं। ये महाराज लाल सिंह की छतरी है। यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार क्या होगा एक किसी और परिवार के सदस्य का, तो इस जगह पे एक नई छतरी का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से राजवंश की ये परंपरा है, यहाँ पर एक ऐसे निशानी परिवार के किसी भी राजकुमार या राजकुमारी या राजा की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद में इनको समाधि के रूप में ये एक छतरियाँ बनाई जाती हैं।